इट डजेंट मैटर कि हमारा घर कितना छोटा या कितना बड़ा है, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि हमने अपने घर को कितना व्यवस्थित और कितना फंक्शनल बना के रखा है। नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विमेन ऑफ एसेंस में। ऑर्गेनाइजर्स की सीरीज़ में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे चार ऑर्गेनाइजर्स जो हमारे छोटे स्पेस को भी मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला ऑर्गेनाइज़र है मल्टीफंक्शनल स्टेनलेस स्टील डोर हुक ऑर्गेनाइज़र। इस ऑर्गेनाइज़र को हम किचन डोर के कैबिनेट्स के डोर्स पे हम आसानी से हैंग कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के नेलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये रस्ट फ्री है। ये ओवरहैंग हुक्स होने के कारण हम इनको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है स्टैकेबल किचन कैबिनेट काउंटर टॉप शेल्फ ऑर्गेनाइज़र। दो शेल्फ में आता है। एक शेल्फ के नीचे हम दूसरे शेल्फ को स्लाइड करके अपनी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग शेल्फ में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एंटी स्किड फीड्स के साथ भी आता है। अगला प्रोडक्ट है ये प्लेट रैक। इस प्लेट रैक में थाली और प्लेट्स को रखकर उसको एक्सेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। हमारा अगला प्रोडक्ट है ओवर द डोर हैंगिंग शेल्फ। मैंने अपना क्रॉकरी शेल्फ कुछ इस तरीके से अरेंज किया है और अब देखते हैं कि इन ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ करके हम इसे किस तरीके से अरेंज कर पाते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो पहले आइटम्स इसमें रखे थे उसके अलावा भी मैंने दो जग और एक केतली इसमें एक्स्ट्रा रख दी है और फिर भी ये स्पेस हमारा बच जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे यूज़ करेंगे। इस स्पेस को हम ओवर द डोर हैंगिंग शेल्फ के द्वारा कवर कर सकते हैं। किसी भी कैबिनेट में सामान रखते समय हमें उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्पेस को यूज़ करने के हिसाब से उसमें सामान को अरेंज करना चाहिए ताकि हम उसके स्पेस का 100% यूज़ कर सकें। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस बचे हुए स्पेस को हमने इस हैंगिंग शेल्फ के थ्रू अच्छे से कवर कर लिया है और इस टोटल कैबिनेट शेल्फ का हमने 100% स्पेस को अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया है। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत पसंद आए होंगे और आप अपनी ज़रूरत और क्रिएटिविटी के हिसाब से इन्हें अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे वार्डरोब में, ड्राइंग रूम में या फिर बाथरूम में।